हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आदि शर्मा 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल, उसके एमसीक्यू सेक्शन को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल जो है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है ax प्लस b। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो ax रेस्ट टू द पावर n प्लस a डैश x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a कांस्टेंट टर्म जहां है ऐसे लिखा हुआ होता है। ठीक है, जहां x की कैसी पावर होती है, रेशनल पावर्स, x की इंटीजर पावर्स होती है, बेसिकली आप यूं कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर पावर्स होती हैं। तो ऐसे वाले एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे इसके बहुत सारे टाइप हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 हो, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन जनरली हमें जो चैप्टर नंबर 2 या 10th लेवल में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसी पॉलिनोमियल चीज को समझने के लिए, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक और चीज आती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लो कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की ऐसी वैल्यू है जिनको पुट करने पर वो जो पॉलिनोमियल है उसका ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अगर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो x की वो वैल्यू जिससे रखने पर ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है वो जीरो हो जाए, या मान लो पॉलिनोमियल ax प्लस b था तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर ax प्लस b जीरो हो जाए, या पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d था तो x की वो सभी वैल्यूज जिसे रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरोस होते हैं, जीरोस का मतलब 2 रूट्स होते हैं, x के ऐसी 2 वैल्यूज पॉसिबल होती है जिन पे वो जीरो हो जाए, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें x के ऐसी 3 वैल्यूज पॉसिबल होती है जिन पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है, इन्हीं को पॉलिनोमियल्स के रूट्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके 2 रूट्स होते हैं तो उन्हें हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 रूट्स होंगे, उन्हें अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करेंगे। अब इनमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं इनमें कुछ ना कुछ रिलेशंस आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट के अंदर ये रिलेशन होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है यानी कि एडिशन ऑफ रूट, वो होता है माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स x divided by coefficient of x square. Similarly, alpha into beta, यानी कि product of root होता है c upon a, यानी constant term divided by a. ठीक है, जैसे ax square plus bx plus c लिखा है, तो उसको c by a करके निकाला जा सकता है। अब ये मान रहा हूँ मैं कि आपको अभी तक की थ्योरी क्लियर है, तो इस थ्योरी को अभी मैंने पढ़ाया जब नहीं, आपको इंडिपेंडेंटली वो थ्योरी क्लियर है, बस उस थ्योरी का एप्लीकेशन हम इन एमसीक्यूज में देख रहे हैं, साथ के साथ थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एपेक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके 2 रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो आपको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमें निकालना है वो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, राइट। अब इनमें एलसीएम ले लिया जाए तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो अल्फा को डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा से तो बीटा बचेगा, तो ऊपर आ गया बीटा, और बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा से तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई होके अल्फा बन जाएगा, यानी कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा वास्तव में ऐसा लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, यानी ऊपर है एडिशन ऑफ रूट्स और नीचे है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब एडिशन ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1, राइट, 1 अपॉन 1 हो गया, और नीचे है अल्फा इंटू बीटा, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1।
तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1, राइट। ठीक है, तो थ्योरी को आप अपने लेवल पे एक बार देखें, एमसीक्यूज उन्हीं की हेल्प से सॉल्व हो पाएंगे, राइट। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक उसी तरह का एक और है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कह रखा है कि अब की बार पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7 है और उसके दो रूट अल्फा और बीटा है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है 1/α + 1/β। तो अभी जैसे हमने जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, हम कह सकते हैं कि जो निकालना है वो वास्तव में अल्फा बीटा तो नीचे एलसीएम में आता है और ऊपर अल्फा प्लस बीटा आता है, तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो -3/4। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई c/a, यानी कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो हो गया 7/4। तो 4 से 4 कट जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा -3/7। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रखा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है k² + 4 × x² + 13x + 4k, इसका एक जो रूट है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/α है, अगर एक रूट को बीटा मानेंगे तो दूसरा रूट 1/β होगा, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो हमने मान लिया कि एक रूट अल्फा है और दूसरा 1/α है, तो जब भी ऐसा कह रखा हो कि दो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तब हम ये चीज का यूज करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, तो α × 1/α उसकी वैल्यू 1 होगी। तो देखो यहां लिखता हूं मैं α × 1/α, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म यहां 4k है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है k² + 4, राइट। अब अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा k² + 4, तो k² + 4 = 4k। अब इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं k² - 4k + 4 = 0, और ये वास्तव में k - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि k की वैल्यू बन जाएगी हमारी 2, है ना। ये a² + b² - 2ab है, तो k - 2 का होल स्क्वायर हुआ, तो k की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो 2 रखने पर जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला है, तो मैं सोच रहा हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले एक साथ कर लिए जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले एक अलग से वीडियो में बना दिए जाए। तो फिलहाल अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली चीजों की बात कर रहे हैं। x² + px + q, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स 1/α और 1/β हो। तो जब भी हमें रूट्स गिवन हो और पॉलिनोमियल निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x² - addition of root into x + product of root, यानी कि हमें एडिशन ऑफ रूट्स की रिक्वायरमेंट होती है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने रूट्स दिए हुए हैं, इनसे पॉलिनोमियल निकालना है, तो इनका एडिशन पहले निकाल लें। तो इनका एडिशन होगा 1/α + 1/β, यानी कि α + β/β, ये हो गया एडिशन ऑफ रूट। अब अल्फा प्लस बीटा आएगा यहां से -p/1, यानी कि -p, और α × β आएगा यहां से c/a, यानी कि q/1। तो जो नया पॉलिनोमियल हमें निकालना है उनके रूट्स का एडिशन तो हमें पता चल गया, अब इनका रूट्स का प्रोडक्ट यानी 1/α × 1/β ये भी पता करना है। तो ये तो सिंपली 1/α β हो गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू तो क्यू है, तो ये आ गया 1/q। तो अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिनके रूट्स का एडिशन -p/q हो और रूट्स का मल्टीप्लीकेशन 1/q हो। तो लगाते हैं फॉर्मूला, वो होगा x² - addition of root हो गया -p/q into x plus product of root, तो product of root हो गया 1/q।
तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई क्यू एक्स प्लस वन बाई क्यू। आप चाहें तो ये आपका आंसर हो सकता है, करेक्ट आंसर होगा, और आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें पूरे पॉलिनोमियल को, वो भी आपका आंसर होगा, ताकि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो हट जाए। तो क्यू हट जाएगा तो बनेगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा जिनके रूट वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा होंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस p इनटू x प्लस 1 माइनस c, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो आपको अल्फा प्लस 1 इनटू बीटा प्लस 1 निकालना है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, ये है x स्क्वायर माइनस px माइनस p माइनस c, तो माइनस कॉमन ले लेगा तो बनेगा p प्लस c। ठीक है, तो ये वाली तो आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, x का कोफिशिएंट माइनस p हो गया और कांस्टेंट टर्म माइनस p प्लस c हो गई। अब अपने को वो निकालना है, तो ये अगर थोड़ा सिंपलीफाई किया जाए तो बनेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, यानी कि एक तो अल्फा प्लस बीटा टर्म आ रही है इसमें और एक अल्फा बीटा टर्म आ रही है। तो इसका देखो अल्फा इंटू बीटा के लिए लिखा जाएगा माइनस का पी प्लस सी डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट टर्म में माइनस का पी प्लस सी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो डिवाइड किया आ गया, प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखा जाएगा माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है माइनस पी है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पी बाई बनना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई और अलग से प्लस वन और लिखना होगा। तो देखो ये हो गया माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन, पी से पी कट गया तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो बनेगा वन माइनस सी। तो अगर ये पॉलिनोमियल के रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू आनी चाहिए वन माइनस सी। इजी। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसी का एक प्रोसीडिंग क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं ज्यादा सॉल्व करके नहीं बता रहा, केवल बता रहा हूँ कि इसमें पूछा क्या गया है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी जो पहले था वही वाला पॉलिनोमियल है, इसके रूट भी अल्फा बीटा थे, इसके रूट भी अल्फा बीटा है, तो आपको उस वाले क्वेश्चन में बताना था कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने सॉल्व किया था पूरा और निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू आ रही थी वन माइनस सी। अब की बार दे रखा है कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू जीरो है, तो सी की वैल्यू बताओ, तो इसको इक्वल टू जीरो कर दो तो आ जाएगा सी इक्वल टू वन। तो जो पिछले मेथड में, पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकाल दो, वो आ जाएगी वन माइनस सी, उसको इक्वल टू जीरो कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी वैल्यू जीरो है और बताना है कि सी की वैल्यू क्या है, तो निकाल लो सी की वैल्यू वन आ जाएगी, बहुत ईजी हो गया। तो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका कोई रियल रूट नहीं है यानी कि सब रूट इमेजिनरी हैं, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको ये बताना है कि c की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो है या कुछ कहा नहीं जा सकता, इन चार में से कुछ एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसका आपको स्ट्रक्चर ग्राफ पेपर पे या नॉर्मल पेपर पे आपको ग्राफ बनाना होगा। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसका पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा ऐसा या ऐसा। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी कब आएगा जब x की जगह 1 रखें, तो x की जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 रखने पर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कुछ नीचे आएगा, इस वाले ग्राफ के नीचे आएगा, और इसमें कह रखा है कि नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं है यानी कि जीरो रियल रूट है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस लाइन को कट नहीं कर सकता, क्योंकि अपन ने देखा है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने ही उसके रूट्स बन जाते हैं, तो अगर ये एक भी बार कट कर जाता तो फिर इसका एक भी रूट नहीं बन सकता था, यानी कि ग्राफ ऐसा तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ऐसा बनेगा तो आगे जाकर तो ये तो कहीं कटेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है,
ऊपर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, यानी कि कंपल्सरी ये हो गया तो कि ग्राफ ऐसा कुछ है, क्योंकि पैराबोला बनना है, ऊपर अगर चला गया तो कहीं ना कहीं कट हो जाएगा, अगर पूरा ही ऊपर रहा ऐसे तो फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू तो कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। यानी कि ये हमें पता चल गया कि जो ग्राफ है वो इस x एक्सिस के नीचे नीचे ही रहेगा, अगर x एक्सिस के नीचे नीचे रहेगा तो x की वैल्यू 0 रखने पर भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, 1 रखने पर भी नेगेटिव आएगी, 2 रखने पर भी नेगेटिव आएगी, तो 0 रखने पर क्या आ रहा है, ये x की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे इस पॉलीनोमियल में तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और c बचा, तो वो नेगेटिव आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो c है वो नेगेटिव है। जैसे c क्या होता है, ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है तो ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि c की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है उसका ग्राफ पैराबोला होता है, ये x एक्सिस को जितनी जगह कट करता है उतना ही सॉल्यूशन है, अगर नो रियल रूट है तो ये x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, तो उसके दो ही ऑप्शन है, या तो वो x एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेगा ऐसे, या x एक्सिस के नीचे नीचे रहेगा ऐसे। तो अगर हमें पता चलता है कि इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नेगेटिव है तो फिर ऐसा ही ग्राफ बनेगा, और कोई एक पॉजिटिव वैल्यू पता चल गई तो फिर कंफर्म है कि वैसा ही ग्राफ बनेगा, और जब भी ये वाला ग्राफ बनेगा तो सी हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और जब भी ऊपर वाला ग्राफ बनेगा तो सी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फर्दर क्लासेस में भी काम आने वाला है आपके, 11th में 12th में मैथ्स अगर आप ले रहे हो तो। अब फिर से अगला क्वेश्चन जो है वो फिर से ग्राफिकल बेस्ड है, एक पॉलीनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका ग्राफ ये बनाया गया है, तो पूछा गया है कि a b और c का साइन आप इस ग्राफ को देखकर कैसा बता सकते हैं, तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि ग्राफ से a b और c के साइन कैसे निकले। तो c का साइन निकालना बहुत इजी है, C का साइन निकालने के लिए आपको देखना है कि ये वाला जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, तो ये ग्राफ y एक्सिस को यहां कट कर रहा है, यानी x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव जगह पे, अगर ये नीचे कट कर रहा होता जैसे यहां तो नेगेटिव आ जाता, तो जहां पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है वो ही c की वैल्यू होगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि सी तो पॉजिटिव है, सी तो ग्रेटर देन 0 है। फिर जो ए है वो भी निकालना बहुत आसान है, अगर ये जो पैराबोला है वो ऊपर की डायरेक्शन में है ऐसा है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पैराबोला नीचे की डायरेक्शन में है इसकी जगह उल्टा बना होता है ऐसा तो ए की वैल्यू नेगेटिव होती, तो फिलहाल ऊपर की तरफ बना हुआ है इसलिए ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अब रही बात बी की, बी निकालना है, तो देखो ये वाला पॉइंट माइनस बी बाई टू है, ये x की वैल्यू है ठीक है, और x की ये वाली वैल्यू पर y की ये वैल्यू आ रही है, तो जो माइनस बी बाई टू है वो कैसा है, पॉजिटिव, माइनस बी बाई टू है जो x है वो पॉजिटिव है, और हमें पता है कि a भी पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाई टू है पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये बी नेगेटिव हो, ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, अगर बी पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव में माइनस लगते ये नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, क्या होगा, तो नेगेटिव में पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, इसलिए हमको ये देखना है इसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए कि अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर का पूरा टर्म पॉजिटिव बने, और ऊपर का पूरा टर्म पॉजिटिव बने यानी कि माइनस बी पॉजिटिव बने, और माइनस बी पॉजिटिव बन रहा है तो बी को नेगेटिव बनना ही पड़ेगा। इस ग्राफ से अपन ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ए और सी तो पॉजिटिव है लेकिन जो बी है वो नेगेटिव है, राइट। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 9 किया था ठीक वैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी एक पॉलीनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और उसका ग्राफ गिवन है, और ग्राफ की हेल्प से हमें a b और c के साइन बताने हैं, तो बहुत आसान है स्मॉल a और स्मॉल c के साइन निकालना, फटाफट से बता दो कि स्मॉल a इसका
देखेंगे कर्वेचर कैसा है, नीचे की साइड है तो ए की वैल्यू तो नेगेटिव आनी ही है। अब बात करें सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या होगी कि ये वाला ग्राफ एक्स सॉरी वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो ये ऊपर कट कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो सी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब बात करें बी की, तो बी इस वाली चीज से निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई टू ए पे है, तो माइनस बी बाई टू ए तो यहाँ पे नेगेटिव है ना, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ना, ये एक्स एक्सिस है तो ये जीरो से पीछे है, यानी कि एक्स नेगेटिव है। अगर ये वाला इधर होता तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल ये लेफ्ट साइड में है, यानी कि माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव आना चाहिए। तो अब देखो माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव होना चाहिए, ए नेगेटिव है तो ऊपर की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर ऊपर का भी नेगेटिव हो नीचे का भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव से नेगेटिव कट के पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन हमें तो इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव बनाना है। नीचे का नेगेटिव है तो ओवरऑल ऊपर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। ऊपर वाली चीज पॉजिटिव कब होगी, माइनस बी जब पॉजिटिव हो, और माइनस बी पॉजिटिव कब होगा जब बी नेगेटिव हो, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनना चाहिए कि ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो एंड सी ग्रेटर देन जीरो। तो टेंथ वाले बच्चों के लिए इसे डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें ध्यान से देखें, थोड़ा फोकस करके समझें, तो इनको समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप इन्हें एक बार फिर से देखिए, और ये वीडियो क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।